दोस्तों, लौकी आलू की एक बारी आपने इस तरीके से यह सब्जी बना लिया ना दोस्तों, तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट होती है खाने में, साथ ही बनाने में बहुत आसान है। तो दोस्तों, आज मैं लौकी से आपको एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। गर्मियों का सीजन आ गया है और गर्मियों का सीजन में ये लौकी, घिया, तोरी ऐसी सब्जी हमें बाजार में मिलेंगे। तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे कि बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो लौकी ले ली है। ये फ्रेश वाली लौकी है, अच्छी कच्ची लौकी है। जब भी आप लौकी बाजार से लेने जाए तो हमेशा नोटिस कीजिएगा कि ज़्यादा मोटी लौकी, बड़ी लौकी मत लीजिएगा। एक तो आपको पहले नोटिस करना है कि इसको दबा के देखना है, जो अंदर से खोखला होगा उसके अंदर बीज होगा, और अगर ये टाइट होगा तो वो लौकी आपकी फ्रेश होगी। दूसरा, आपको यहाँ पे एक नाखून इस तरीके से दबाना है, जिससे लौकी का आपको पता लग जाएगा कि फ्रेश है और कच्ची लौकी है। ये हम पील कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आसानी से लौकी जो कच्ची वाली होती है ना, उसे पील करना बहुत आसान है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल फ्रेश और कच्ची लौकी है। और लौकी की सब्जी हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। कई लोग तो इसको जैसे वेट लॉस करने के लिए भी, इसके कई सारे फायदे हैं, और इसका जूस भी अगर ले लेंगे तो तब भी ये फायदा ही होता है। तो लौकी हमें अपनी डाइट में जरूर लेना चाहिए। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे आप बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं, यानी कि नवरात्रे चल रहे हैं तो आप नवरात्रों में भी इस सब्जी को बना सकते हैं इस तरीके से। अब इसके आगे पीछे से कट कर लेते हैं। अब इसे एक बारी और साबुत ही धो लेते हैं। तो लौकी को हमने एक बारी और अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको काट लेते हैं। दो हिस्से कर लिए हैं और बिल्कुल अंदर से लौकी कच्ची है, और इसको इस तरीके से आपको चॉप कर लेना है। आपको काटने के बाद इसे धोना नहीं है, इसे हम सीधा डाल देंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक। बिल्कुल नए तरीके से हम इसे बना रहे हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है। 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये हमने पानी ऐड कर दिया है, और अब हम इसे 5-6 मिसल दे देंगे जिसमें कि ये गल जाएगी। यहाँ पे मैंने जो लौकी को नमक और हल्दी डाल के स्टीम दे दी थी, यानी कि इसे हमने 2-3 मिसल दे दिया था, ये यहाँ पे रेडी हो चुका है। और अब हम इसके लिए तड़का लगाएंगे। फ्राई रख ली है, उसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। बिना लहसुन और प्याज का ये सब्जी बन रही है, तो आप इसे नवरात्र में भी ले सकते हैं। और हेल्दी तरीके से बनाई जा रही है, इसमें हम कम मसाले, कम तेल का यूज करेंगे। तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तो ऑयल को हमने अच्छे से पकाना है पहले। तो सरसों का ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें से धुआं भी आ चुका है। आधा चम्मच जीरा, फिर डालेंगे इसमें अदरक, और साथ में हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। और इसे थोड़ा सा भूनने के बाद, यानी कि क्योंकि दोस्तों जब सरसों का तेल अच्छे से ज़्यादा गर्म होता है तो उसमें आपको फटाफट से चीज़ें डालनी होती है, तो इसे हमने भून लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। बहुत ही टेस्टी चटपटा लौकी की ये सब्जी अगर आपने दोस्तों एक बारी बना लिया तो बच्चे से लेकर बड़े तक सभी लोग मांग मांग के खाएंगे, क्योंकि इतना स्वादिष्ट होता है और बनाने में बहुत ही सिंपल है। मैंने लौकी को यहाँ पे रात को ही बॉईल करके रखा था, और सुबह मैंने सोचा क्यों ना इस पे तड़का लगा। तो आप भी इसे जब भी मौका मिले उस वक्त आप इसे मिसल दे के रखिएगा, और जब आपको फ्रेश इसको बनाना हो उस वक्त आप सीधा तड़का लगाइएगा। और इसमें हमने डालना है 1/4 चम्मच देगी मिर्च, और साथ में हमने हल्दी पहले भी डाल रखी है, तो आधा चम्मच से भी कम हम हल्दी डालेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, तो नमक भी हमने पहले से ही डाल रखा है तो उस हिसाब से डाल देंगे। आधा चम्मच से भी कम हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और अब हम 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। ये हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम मसाले को हम तब तक अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक कि इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ये देखिएगा, टमाटर का जो मसाला होता है मिनटों में तैयार हो जाता है। तो
हाई फ्लेम पर हम इसे पकने जा रहे हैं, तो अभी बस पकने वाला है, तो इसे थोड़ी देर और ढक के रखेंगे। तो यहाँ पे मसाले में ऑयल सेपरेट हो गया है, और अब इसमें डालेंगे पहले हरा धनिया। तो यहाँ पे हमने दो आलू को भी बॉईल करके रखा हुआ था, ये भी हम मैश करके इसके अंदर डाल देंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, मैश करेंगे। तो यहाँ पे आलू इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हमने जो लौकी को हमने पहले से सीटी दे के रखी हुई है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बिल्कुल हम इस सब्जी को नए तरीके से बना रहे हैं। तो यह हमने लौकी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसी तरीके से टिंडा हो, तोरी हो, वो भी बना सकते हैं, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसका टेस्ट जो होगा बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आप इसमें रस्सा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसे इसी तरीके से खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें नमक मिर्च सारी चीज़ें टेस्ट करके देख सकते हैं। इसे हम 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद ये सब्जी तैयार हो जाएगी। इसमें उबाला भी आ चुका है, तो आप इस सब्जी को रोटी हो, चावल हो, या परौंठे के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। लौकी की नए तरीके से सब्जी बनके तैयार हो गई है, जिसका टेस्ट इतना जबरदस्त आ रहा है। तो एक बारी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है। और साथ ही ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस रेसिपी को लाइक शेयर। जीएस रसोई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस रसोई चैनल। मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी नई रेसिपी के साथ में।